मॉर्निंग बच्चों आज का टॉपिक है अपना पादपों में पोषण जिसका तीसरा पार्ट है इससे पहले दो वीडियो में आपने पार्ट वन और पार्ट टू को देखा था आज है इसका पार्ट थ्री सेवंथ हिंदी मीडियम देखो देखे इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इससे पहले के वीडियो में हमने सबसे पहले इस चैप्टर में पोषण के बारे में पढ़ा था कि पोषण क्या होता है उसके बाद हमने दो प्रकार के जीव देखे थे स्वयं और विषम जीव उसके बाद हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण देखा था कि किस प्रकार हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इन भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं उसके बाद अपन ने देखा था पत्ती में पाया जाने वाला वर्णक क्लोरोफिल जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है उसके बाद अपन ने देखा था कि किस प्रकार पौधे जो होते हैं वातावरण से गैसों का विनिमय करते हैं लास्ट वीडियो में देखा था कि रंध्र पौधे की पत्ती के ऊपर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं इन रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं? गैसों का विनिमय करते हैं, सीओ टू लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं उसके बाद अपन ने देखा था जल व खनिज लवणों का अवशोषण जो कि जड़ों के द्वारा होता है तो इस प्रकार अपन ने अभी तक ये पढ़ा है कि स्वयं पोषी जीव जो होते हैं वो किस प्रकार तो भोजन बनाते हैं आज हम पढ़ते हैं विषम पोषी जीव जैसे कि हम लोगों ने पहले इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं इस प्रकार के जीवों को विषम जीव कहते हैं विषम पोषी विषम विसंप का मतलब होता है दूसरा और पोषी का मतलब होता है पोषण प्राप्त करने वाला यानी ऐसे जीव प्रकृति के अंदर ऐसे जीव जो अपना भोजन जो होते हैं खुद नहीं बना सकते हैं। इसलिए वो अन्य जीवों की सहायता से या अन्य जीवों के द्वारा वो प्राप्त करते हैं ऐसे जीवों को हम विषम जीव कहते हैं तो विषम जीव में देखो देखे पादप कौन सा होता है अमरबेल का पादप जो होता है वो एक तरीके से विषम पोषी पादप होता है इसके अलावा जीवों में मैंने आपको बताया था उस दिन कि मनुष्य जंतु इत्यादि ये सारे क्या होते हैं विषम पोषी जंतु होते हैं तो आज हम देखते हैं कि अमर बेल जो होता है वो किस प्रकार से विषम पोषी पादप होता है देखो अमरबेल एक विषम पोषी पादप है जो कि हरे जो कि हरे पादप की शाखाओं पर लिपटकर अपना भोजन प्राप्त करता है हम पुराने अगर बरगद देखें ये पेड़ होता है ये पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं होती है या हम अन्य कोई पादप देखते हैं जिसपे एक पादप तो रहेगा है हरा और एक दूसरे रंग का पादप जो होता है वो उसकी तने की या उसकी शाखाओं पर लिपटा रहता है तो वो लिपटावा क्यों रहता है क्योंकि जो पादप लिपटा हुआ होता है वो जिस पोषक पदार्थ पर लिपटा हुआ है उससे अपना पोषण प्राप्त कर रहा होता है इसी प्रकार अमरबेल का पादप भी है जो कि हरी शाखाओं के चारों ओर लिपट जाता है और अपना पोषण प्राप्त करता है इसलिए अमरबेल को विषम पोषी पादप कहा जाता है तो अमरबेल एक प्रकार का विषम पोषी पादप है जो कि हरे पादप की शाखाओं पर चारों ओर लिपट जाता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है इसलिए इसे अमरबेल को विषम पोषी पादप कहते हैं अगला देखो परपोषी अमर बेल का पादप जिस पादप पर आरोहित होता है आरोहित का मतलब ये मेन मुख्य पादप की कोई टैनी है अब अमरबेल का पादप जो होता है वो लताओं की सहायता से इस मुख्य टैनी के चारों तरफ लिपट कर अपनी वृद्धि करता है तो अमरबेल का पादप जिस मुख्य पादप पर लिपटा हुआ रहता है वो पादप अमर बेल के लिए पोषक पदार्थ का कार्य करता है इसलिए उसे कहते हैं परपोषी क्योंकि ये अमर बेल जो होता है उन शाखाओं के द्वारा अपना पोषण प्राप्त कर रहा है इसलिए जिस तने की शाखा पर वो लपटा हुआ रहता है जिन शाखाओं पर अमर बेल की लटाए जो होती है वो लपटी हुई होती है उस पादप के भाग को हम क्या बोलते हैं परपोषी पादप कहते हैं कहने का मतलब कि कोई जीव जिस साधन के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है वो उसके लिए परपोषी कहलाता है क्योंकि वो उसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो ये होता है विषम पोषी पादप वापस देखे देखे जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करता है उन्हें क्या कहते हैं विषम पोषी और पादपों में विषम पोषी कौन है अमरबेल का पादप जो कि हरे पादप की शाखाओं पर लपटा हुआ होता है इसलिए वो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करता है और जिस जीव से प्राप्त करता है उसे बोला जाता है परपोषी अब देखो देखें प्रकृति के अंदर कुछ पादप तो स्वयं पोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं कुछ विषम पोषी होते हैं जो दूसरे पादप से क्या कर लेते हैं अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे पादप भी है जिनको मृदा के द्वारा और वातावरण के द्वारा पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर वो पौधे जो होते हैं किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं देखो देखिये प्रकृति के अंदर कुछ कीट कीटभक्सी पादप पाए जाते हैं कीट कीटभक्सी नाम से स्पष्ट है जो कीटों कीटो को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जो कीटों को भोजन के रूप में आहार के रूप में ग्रहण करते हैं ऐसे पादप को कीट कीटभक्सी पादप कहते हैं देखो परिभाषा देखो देखे कीटभक्सी पादप ऐसे पादप जो कीटों के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं या कीटों को भक्षण करके भक्षण का मतलब होता है कि की, कोई कीट जो होता है वो उस पादप के एक विशेष भाग पर बैठ जाता है जैसे ही वो कीट उस भाग पर बैठेगा जैसे ही कीट उस पादप के विशेष भाग पर बैठेगा तो उस पादप का जो पत्ती है या उसकी जो फ्लावर है वो चारों तरफ रह जाता है तो इस प्रकार ये कीटों का क्या करते हैं भक्षण करते हैं तो भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें कीटभक्शी पादप कहते हैं सरल भाषा में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करके अपना पोषण या अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम कीटभक्सी पादप कहते हैं देखो देखें प्रकृति में कौन कौन से कीटभक्सी पादप है उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं घटपर्णी पादप जिसे सामान्य भाषा में बोला जाता है पिक्चर पादप दूसरा होता है विनस फ्लाई जो कि एक विदेशी प्रजाति है ये भी एक क्या है घटपन कीटभी पादप है और तीसरा होता है संड्यू ये भी क्या होता है एक कीटी पादप होता है अब देखो कीटभक्शी पादप किस प्रकार कीटों का भक्षण करते हैं कीट पादपों में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार ये गढ़े जैसी संरचनाएं होती है घट जैसी संरचनाएं यानी ये अंदर से तो पूरा क्या होता है खोखला होता है और इसका ये बार का मुंह का भाग बना होता है जिसके अंदर के द्वारा कीट क्या करते हैं प्रवेश करते हैं और इसके ऊपर ढक्कनुमा संरचना पाया जाता है ये गट जो होता है वो पौधों की पत्तियों का रूपांतरण होता है किसका रूपांतरण होता है पत्तियों का रूपांतरण यानी पत्तियां जो होती है वृद्धि करके इस प्रकार के गट की संरचना बनाती है ठीक है तो ये गट पढ़ी इसीलिए इनका नाम पड़ा है तो अब ये गठ जैसी संरचना बन गई अब छोटे छोटे कीट जो होते हैं वो मकरंद के लिए या अन्य पदार्थों के लिए पौधों की पत्तियों पर बैठते हैं और बैठकर अंदर की ओर प्रवेश करते हैं जैसे ही कीट अंदर की ओर प्रवेश करते हैं ये ढक्कन इनके ऊपर चला जाता है और ये पादप का जो घट होता है वो घट उन कीटों का भक्षण कर लेता है उन्हें अंदर की ओर दबा देता है जिससे उनमें आवश्यक पदार्थों को पादप जो होते हैं अवशोषित कर लेते हैं और बचे हुए कीटों के शरीर को बाहर फेंक देते हैं तो इस प्रकार इन पादपों ने किसका भक्षण किया कीटों का भक्षण किया इसलिए इन्हें क्या कहते हैं कीट भक्षी पादप कहते हैं देखो देखिए कीट भक्षी पादप क्या कार्य करते हैं कीट भक्षी पादप इन कीटों से आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं मैंने बताया ना अभी जिन पौधों को मृदा से वायु से वातावरण से पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होते ना वो कीटों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो कीट भक्षी पादप इन कीटों से आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं जो इन्हें मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं तो इस प्रकार ये कीटभक्शी पादप भी प्रकृति में पाए जाते हैं जो अपना पोषण जो होता है वो कीटों से प्राप्त करते हैं अगले पादप होते हैं मृत जीवी पादप अगले पादप होते हैं मृत जीवी पादप नाम से स्पष्ट है मृत जीवी पादप यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले या मृत विघटित पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं कि एक कोई जीव होता है वो मर जाता है अगर वो जीव मर जाता है तो हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद उसकी शरीर पर अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं मृत जीवी जो मरे हुए जीवों से क्या करते हैं या सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं मृत जीवी देखो देखिए मृत जीवी वापस वह जीव जो अपना भोजन भोजन के रूप में अपन पोषण भी लिख सकते हैं ठीक है ना तो अपना पोषण सड़े गले पदार्थ सड़े गले पदार्थ या मृत विघटित जैविक पदार्थ मृत विघटित जैविक पदार्थ यानी जीवों के अवशेष जैसे सब्जियों के छिलके हो गए सड़ा गया फल फ्रूट हो गया सड़ी भी अपन देखते हैं सेब हो गए ब्रेड अपन देखते हैं जो सड़ जाती है रोटी अपन देखते हैं यदि अपन उसको काफी दिनों तक बंद रखते हैं तो उसके ऊपर फंगी आ जाती है रह से, रह से रचना आ जाती है वो सब तो मृत विघटित पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं इस प्रकार के जीवों को मृत जीवी पादप कहते हैं आई बात समझ में तो मृत जीवी पादप सरल भाषाओं में अपन समझ सकते हैं कि जो सड़े गले व मृत विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन जीवों को हम मृत जीवी पादप कहते हैं मृत जीवी सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करना उदाहरण के लिए अपन कवक लिख सकते हैं फंजाई लिख सकते हैं मशरूम होता है एक अपन देखते हैं छत्रक के रूप में वो भी एक प्रकार से क्या है मृत जीवी पादप है जो कि सड़े गले पदार्थों के द्वारा उत्पन्न होता है अब देखो देखे अपन इनको और उदाहरण से समझ सकते हैं जैसे डबल रोटी डबल रोटी होती है जो हम सामान्य नाश्ते में काम में लेते हैं उस डबल रोटी को कुछ दिनों के लिए अपन खुला नमी युक्त वातावरण में रख देते हैं कहने का मतलब उस ब्रेड को अपन ने अगर अपन ने किसी टिफिन के अंदर ढक के रख दिया या अपन ने रसोई में किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर नमी की मात्रा होती है हल्की हल्की जलवाष्प होती है उस जगह पर यदि अपन या अपन ने उसको पोलोथिन के अंदर टाइट पैक एयर टाइट करके पैक करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया तो हम देखते हैं उस ब्रेड व्हाइट ब्रेड के ऊपर कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर सफेद या काले रंग की फफून दिखाई देती है इस प्रकार से ये ब्रेड है इस ब्रेड के ऊपर हमें काले काली, -काली खूब सारी जगह जगह एक तो काले काले धब्बे दिखाई देंगे या अपन उनके ऊपर अपन को सफेद रेसे नुमा संरचना दिखाई देती है तो ये सफेद रेसे नुमा संरचना जो है वो क्या है कवक के बीजाणु है क्या है कवक के बीजाणु जो कि नमी युक्त वातावरण के कारण उत्पन्न ब्रेड के ऊपर हो गए तो ऐसी संरचनाओं का आना यह क्या है मृत्यजीवी पादपों के उदाहरण है इसके अलावा अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन स्कूल में टिफिन लेके आते हैं और टिफिन के अंदर अपनी एक रोटी पड़ी रह गई है ना अपन ने छोड़ दी और हम लोग टिफिन भूल गए हम लोगों को टिफिन पांच या सात दिन के बाद में याद आता है तो सात दिन के बाद अपन जब उस टिफिन को खोलते हैं तो जो भोजन की रोटी होती है उस रोटी पे भी हमें अलग अलग तरह की सूक्ष्म रेशेदार रचना दिखाई देती है जगह जगह काले काले धब्बे दिखाई देते हैं ये काले काले और धब्बे जो होते हैं सूक्ष्म रेशनुमा जो रचना होती है वो क्या होती है फंजाई होती है जो की फंजाई होती है जो की मृत जीवी है यानी जीवों के द्वारा ही पोषण प्राप्त किया है कैसे जीव या तो सड़े गले हो सकते हैं या मृत जीवी हो सकते हैं तो टिफिन बंद भोजन में कुछ दिनों के बाद सड़ना यानी जो रोटी होती है वो धीरे धीरे किस में बदल जाती है विघटित होती जाती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा और सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित होने पर उसके ऊपर ही कवक और फंजाई वृद्धि करने लग जाते हैं तीसरा अपन देखते हैं आचार को खुला छोड़ देते हैं या आचार के तेल के बाहर कोई केरी वगैरह केरी का टुकड़ा वगैरह रह जाता है तो उस केरी के टुकड़े पे भी हम लोग देखते हैं दो तीन बाद दो तीन दिन बाद उसके ऊपर अपन को रेशेदार संरचनाएं काली काली रेशेदार संरचनाएं दिखाई देती है या चमड़े की कोई वस्तु होती है जिसको अपन काफी दिनों तक हम लोग गर्म स्थान पर रख देते हैं या बारिश के दिनों में अपन उसको कहीं नमी युक्त वातावरण में रख देते हैं तो वो खराब हो जाती है रीजन क्या है उसके ऊपर फंगी लग जाती है फंजाई लग जाती है जो कि एक प्रकार का मृत्यजीवी पादप जो कि एक प्रकार का मृत्यजीवी पादप होता है और वो अपना पोषण प्राप्त करता है तो ये होते हैं मृत्यजीवी पादप जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं अब देखो इन सड़े गले पदार्थों पे कवक उत्पन्न कैसे होता है सामान्य कवकों के सूक्ष्म बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं यानी हम देखते हैं कीटों का परागण होता है ना उसमें अपन देखते हैं कायिक जनन के द्वारा बीजाणु धानी के द्वारा सूक्ष्म अंकुरण या सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं वो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ते रहते हैं तो सामान्य कवकों के सूक्ष्म बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जो कि उचित उष्ण व नम वातावरण में यानी जब इन बीजाणुओं को इन बीजाणुओं को अपने अनुकूल वातावरण मिल जाता है अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो अनुकूल वातावरण में अनुकूल वातावरण मतलब वातावरण उष्ण भी होगा और थोड़ा सा नम भी होगा नम का मतलब थोड़ा ठंडा होगा तो उष्ण व नम वातावरण मिलने पर वह जैविक वस्तुओं पर बैठ जाते हैं जैविक वस्तुओं का मतलब होता है जीवो से बनने वाली जैसे रोटी है ब्रेड है चमड़े की वस्तु है हमारी सब्जियां हैं है ना इसी प्रकार दही अपन देखते हैं कुछ दिनों के बाद दही खराब हो जाता है, है ना तो जैविक वस्तुओं पर बैठ जाते हैं और वहां पर ये क्या हो जाते हैं अंकुरित हो जाते हैं अंकुरित का मतलब ये अपना विकास कर लेते हैं और ये विकास लगातार होता रहता है जिससे उस भोज्य पदार्थ पर या उस पदार्थ पर कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों में चारों तरफ छोटे छोटे रेसे उत्पन्न हो जाते हैं इन ये रेसे जो कहलाते हैं फंजाई क्या कहलाते हैं फंजाई और वस्तुओं को खराब कर देते हैं या भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं तो इस प्रकार के जीवों को हम कहते हैं मृत जीवी पादप जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे अपना विकास कर लेते हैं विकास मतलब ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं और उस जैविक वस्तु को पूर्ण रूप से खराब कर देते हैं अब देखो देखे कवको से हानिया भोज्य पदार्थों का खराब होना जितने भी अपने भोज्य पदार्थ होते हैं वो सभी जो होते हैं कवको की वजह से खराब हो जाते हैं फसलें खराब होना कई बार फसलों को भी कीट फफून लग जाती है हम लोगों ने देखा होगा खेतों के अंदर कई बार है ना फसलों को कीट फफून लग जाती है फफूंद इसी कारण लगती है बीजाणु हवा में रहते हैं और अनुकूल वातावरण होकर फसलों पर बैठ जाते हैं और वहां पर अंकुरित हो जाते हैं जिससे हमारी फसलें जो होती है वो खराब हो जाती है और चमड़े की वस्तुओं का खराब होना क्योंकि चमड़ा जो है वो जीवो का अंश है किसका अंश है जीवो का अंश है इसलिए यहां पर भी क्या करते हैं कवक अंकुरित हो जाते हैं तो ये कौ हानिया होती है तो इस प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं मृत जीवी पादप अब देखो तीसरे पादप प्रकृति के अंदर कुछ सजीवी पादप भी पाए जाते हैं सहजीवी नाम से स्पष्ट है कि नहीं है सह यानी साथ साथ जीव यानी जीवन, जीवन। यानी प्रकृति के अंदर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दोनों साथ साथ रहते हैं इस प्रकार के जीवन को हम क्या कहते हैं सहजीवी पादप कुछ जीव एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं जिससे दोनों जीवों को लाभ होता है दोनों जीवों को लाभ होगा हानि एक को भी नहीं होगी ध्यान रखना दोनों जीवों को लाभ होता है तथा ये जीव पोषक पदार्थ तथा आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं यानी इसमें एक जीव जो होता है वो दूसरे के लिए भोजन उपलब्ध करता है तो दूसरा जीव पहले जीव के लिए आवास उपलब्ध करता है इसीलिए कहा गया है यह जीव पोषक पदार्थ तथा आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं इस प्रकार के जीवों को सजीवी पादप कहते हैं इस प्रकार के जीवों को सहजीवी पादप कहते हैं उदाहरण के लिए लाइकेन का पादप या लाइकेन का जीव अभी अपन समझेंगे आगे तो लाइकेन तो लाइकेन एक तरह से क्या है सहजीवी है क्या है सहजीवी जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं सबसे पहले आपको सहजीवी समझ में आना चाहिए यहाँ पर सहजीवी का मतलब होता है दो जीव साथ, साथ रहते हैं जो कि पोषक पदार्थ और आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं इस प्रकार के जीवों को सजीवी पादप कहते हैं और सजीवी पादप का उदाहरण है लाइकेन अब देखो देखिए लाइकेन को सजीवी क्यों कहते हैं देखो देखे ध्यान से समझना क्योंकि लाइकेन का जो पादप है उसमें सेवाल और कवक दो जीव साथ साथ रहते हैं सेवाल और कवक तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेवाल के अंदर क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है क्या पाया जाता है क्लोरोफिल इसलिए सेवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनाने में समर्थ है, है हुआ। हम लोगों ने देखा ना लास्ट वीडियो में कि सेवाल के अंदर क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है जिस कारण वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है तो इसी प्रकार इस सेवाल के साथ कवक रहता है कवक क्या करता है नमी युक्त वातावरण में पाया जाता है तो यह कवक जो होता है वो सवाल के लिए नम आवास बनाता है और सेवाल को छाया प्रदान करता है जिससे सवाल को सेवाल को रहने के लिए आवास मिल जाता है और कवक को अपने लिए पोषण मिल जाता है तो इसमें सेवाल और कवक दोनों जीव साथ साथ रहते हैं साथ साथ भोजन और पोषक पदार्थ और आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं इसलिए लाइकेन कौन सा संबंध हो गया एक तरह से सहजीवी संबंध हो गया कैसा जीवी हो गया सहजीवी संबंध या सहजीवी पादप कहलाते हैं तो इस प्रकार लाइकेन को सहजीवी पादप कहते हैं तो ये आज आपका टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि विषम पोसी क्या होता है उसके बाद अपन ने देखा था परपोषी क्या होता है उसके बाद अपन ने कीटभक्शी पादप देखे थे उसके बाद अपन ने मृत जीवी पादप देखे थे उसके बाद अपन ने कवको से हानियां देखी थी और सबसे लास्ट में अपन ने सजीवी पादप देखा और सजीवी पादप का उदाहरण क्या होता है लाइकेन आई बात समझ में समझने की कोशिश करना और कुछ बुक में से पढ़ना आप देखो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आज का जो टॉपिक पढ़ा है उसी में से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कवकों से हानियां लिखो अभी जो बताई थी मैंने आपको वो हानियां बतानी है उसके बाद मृत जीवी व कीटभक्शी पादप में अंतर बताना है कि मृत जीवी पादप क्या होते हैं और कीटभक्शी पादप क्या होते हैं और तीसरा क्वेश्चन अमरबेल एक विसम जीव है सोरिया लिखना पादप अमर बेल एक विषम पादप है कैसे समझाओ मैंने अभी इसी वीडियो में समझाया आप आराम से देखना और इनके आंसर्स कॉपी में लिखना नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना जिसमें हम लोग इसके आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे